हेलो एवरीवन दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन नाउ वी विल कंप्लीट लेसन नाइन एडवर्ब्स फ्रॉम क्लास एट ग्रामर क्लाउड सो लेट्स विगिन एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताना जो भी एक्शन किया जाता है तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जैसे फर्स्ट है ही रनस फास्ट वह तेज दौड़ता है ओके सेकेंड है ही रन वेरी फास्ट अब देखिए वो बहुत तेज़ दौड़ता है थर्ड है द ट्रेन इज़ वेरी फास्ट जो ट्रेन है वो बहुत तेज है ठीक है तेज़ चलती है सो इन द फस्ट सेंटेंस द वर्ड फास्ट जो वर्ड फास्ट है फर्स्ट सेंटेंस में मोडिफाईज दर्व रन वो किस को मोडिफाई कर रहा है रन को कि वो कैसे दौड़ता है तेज़ दौड़ता है ओके okay? एंड नेक्स्ट आपका सेकेंड देखिए इन द सेकेंड सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस में आप देखोगे वर्ड वेरी जो वेरी शब्द है यहाँ पे मोडिफाइज द एडवर्ब फास्ट वो किसको मॉडिफाई कर रहा है फास्ट को जो हमारा एडवर्ब है उसके लिए इन द थर्ड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में द वर्ड वेरी जो शब्द है वेरी मोडिफाइज द एडजेक्टिव फास्ट वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है फास्ट को ठीक है ट्रेन कैसे चलती है

सून ये सभी किसके लिए इंडिकेशन कर रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए जैसे स्टिल अभी यट अब तक टमोरो कल टुडे आज नाउ अब देन बाद में सुन जल्दी ठीक है तो ये टाइम को शो कर रहे हैं ऑफ टाइम शो द टाइम ऑफ एक्शन सो ही इज कमिंग शॉर्टली ओके शॉर्टली गए यहाँ पे आफ्टर ईटिंग लंच शॉर्टली मीन्स होते हैं कुछ समय के बाद ओके सो ही इज कमिंग वो कुछ समय में आ रहा है आफ्टर एटिंग लंच लंच करके नेक्स्ट द बॉय गॉट अप अर्ली अर्ली भी टाइम को शो कर रहा है द बॉय गॉट अप अर्ली टुडे मॉर्निंग जो लड़का है वो जल्दी उठ गया आज सुबह ठीक है सो थर्ड वन इज इट मे रेन सून बारिश हो सकती है ठीक है जल्दी सून एंड आई रीच्ड स्कूल लेट मैं स्कूल लेट पहुंचा ठीक है तो ये सारे वर्ड क्या है? हैं एडव ऑफ टाइम एडव ऑफ प्लेस देखते हैं एडव ऑफ प्लेस में आपका आ जाएगा हेयर यहाँ देयर वहाँ डाउन स्टेयर अप स्टेयर अप लेफ्ट राइट एटसेट्रा सो एडव ऑफ प्लेस सो द प्लेस ऑफ एक्शन एग्जाम्पल द प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज देयर जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया गया था वहाँ ठीक है तो ये देयर क्या है एडव ऑफ प्लेस एडव ऑफ प्लेस को शो कर रहा है जगह के लिए ही लुकड अप एंड सो अर्ड फ्लाइंग ओके सो ही लुकड अप क्या है यहाँ पे एडवर्व ऑफ प्लेस ही लुकड अप उसने ऊपर देखा एंड सो ऑफ वर्ल्ड फ्लाइंग और उसको क्या देखी एक उड़ते हुए पक्षी दिखा वर्ड दिखी आर यू कमिंग हेयर क्या आप यहाँ आ रहे हो तो हेयर क्या है यहाँ पे एडवर्व ऑफ प्लेस एडवर्व ऑफ मैनर देखते हैं अब एडवर्ब्स ऑफ मैनर देखिए ईजीली किस मैनर में काम किया जा रहा है दैट इज एडवर्व ऑफ मैनर सॉफ्टली ब्यूटीफुली वायलेंटली बहुत हिंसक तरीके से टेरिवली भयानक नीटली ट्रुथफुली एटसेट्रा सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर सो हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस एडवर्व ऑफ मैनर आपको क्या दिखाता है कि किस तरीके से काम किया जा रहा है ठीक है एंड एक्शन टेक्स प्लेस किस तरह से जो एक्शन है वो जगह ले रहा है सो एग्ज़ाम्पल सी वॉज टॉकिंग हैप्पीली यहाँ पे हैप्पीली क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर ओके एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है इसमें हैप्पीली सी वॉज टॉकिंग हैप्पीली वो बात कर रही थी हैप्पीली बहुत खुश वे में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसी के भी एडवर्ब ऑफ मैनर की माई पेरेंट्स ड्रॉब्ड मी टू द हॉस्टल सैडली सैडली मीन्स दुखी होके तो मेरे पेरेंट्स ने ड्रॉप किया मुझे हॉस्टेल में सैडली ही वेंट आउट ऑफ द रूम क्विकली वह चला गया रूम से क्विकली क्विकली मीन्स बहुत जल्दी ओके okay? बहुत जल्दी से चला गया नेक्स्ट दे हैव लेव द ब्लेस परमानेंटली उन्होंने अपना गाँव छोड़ दिया परमानेंटली ठीक है पूरी तरह से तो ये हैं आपके एडवर्ब ऑफ मैनर कि किस तरह से काम को किया जा रहा है क्विकली सैडली ठीक है परमानेंटली एडवर्ब ऑफ रीज़न देखते हैं कारण ओके कारण क्या क्या है सो दस दस मीन्स होता है इसलिए सो so मीन्स भी इसलिए सो so दैट जिसकी वजह से हो रहा है एंड देयर फॉर आता है या फिर इसलिए हैंस मीन्स भी आता है कॉन्सिक्वेंटली भी मीन्स परिणाम स्वरूप ओके जैसे परिणाम निकलते हैं क्या 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 है है? है? के लिए, last, कहीं, okay? last means क्या है? कहीं, ओके, होता तो reason क्या निकल रहा एक्सम्पल से आप समझोगे ऑफ रीजन टेल इज द रीजन ऑफ एन एक्शन ऑफ रीजन क्या बताता है रीजन ऑफ एन एक्शन कि काम किस कारण हो रहा है ओके okay, रीजन क्या है जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे फर्स्ट वन इज ही वॉज स्लो वह स्लो था ओके ही वॉज स्लो वो स्लो था बट देयरफॉर फॉर हमने यहाँ पे एडवर्ब ऑफ़ रीज़न ऐड किया एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या है यहाँ पे देयर फॉर देयर फॉर मीन्स मैंने आपको बताया इसलिए किस लिए इसलिए उसने मिस कर दी बस ओके तो वो स्लो था इसलिए उसकी बस मिस हो गई समझ में आ रहा है ना आपको बिल्कुल क्लियरली सेकेंड देखेंगे एग्जाम्पल आई वॉज नॉट फीलिंग वेल टूडे मुझे आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा है सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाया ठीक है इसलिए मैं स्कूल नहीं गया अब नेक्स्ट देखेंगे थर्ड सी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट अर्ली एंड सो दैट सो दैट सी डज नॉट मिस द फ्लाइट सी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट अर्ली वो एयरपोर्ट पर जल्दी चला गया था सो so दैट इसकी वजह से ठीक है इसकी वजह से या जिसकी वजह से ठीक है सो दैट का मीन्स होता है जिसकी वजह से तो जिसकी वजह से क्या हुआ सी डज नॉट मिस द फ्लाइट उसने जो फ्लाइट थी मिस नहीं की एडव ऑफ़ अफर्मेशन एंड नेगेशन देखते हैं अब एडवर्व ऑफ अफर्मेशन क्या है अफर्मेशन मीन्स होता है अफर्मेशन बोलते हैं दृढ़ वचन के लिए ओके okay? यस yes, हाँ डेफिनेटली हमें ये करना है अफर्मेशन और नेगेशन होता है असमहित जैसे सहमत ना होना किसी चीज़ से ठीक है असहमति आप बोल सकते हो अफर्मेशन के लिए आप बोलोगे दृढ़ वचन और असहमति नेगेशन सो सर्टेनली इन दी ट्रूली नेवर एटसेट्रा आर द एडवर्व ऑफ अफर्मेशन एंड नगेशन दीज एडवर्व अफर्म और डिनाई ये जो एडवर्ब होते हैं ये अफर्म होते हैं या तो दृढ़ होते हैं या फिर डिनाई या फिर मना करने वाले होते हैं सो so एग्जाम्पल देखेंगे यस आई सर्टेनली ओके सर्टेनली क्या है यहाँ पे अफर्मेशन है यस आई सटनली वॉन्ट टू गो टू मुंबई अवश्य सर्टनली अवश्य हाँ मैं अवश्य ही मुंबई जाना चाहता हूँ नेक्स्ट नो आई विल नॉट लिव इन दिस हाउस एनी हाउ ठीक है सो नॉट और एनी लॉन्गर सो नो आई विल नॉट लिव इन दिस हाउस नहीं मैं इस घर में नहीं रहूँगा एनी लॉन्गर और लंबे समय तक तो ये एनी ओके okay? एनी हो गया नॉट हो गया ये क्या है डिनायो शो कर रहे हैं नेगेशन सो नेगेसन को नेगोशिएट करते हैं ना मना करना उसके लिए तो so, ये एडव ऑफिस नेगोशिएशन है ओके नेगेशन द वर्ड यूजली यूज इन द केस ऑफ अफर्मेशन आर बाय ऑल मीन्स ये जो आपको वर्ड दिख रहे हैं ना इधर ये सारे क्या यूजली यूज इन केस ऑफ अफर्मेशन के लिए यूज होते हैं ठीक है जैसे कि बाय ऑल मीन्स अवश्य ही सर्टेनली यस अवश्य श्योरली भी आपको बताइए इन डीड ओके इन डीड निश्चित रूप से ट्रूली यस yes. तो ये सारे अफर्मेशन के लिए शो कर रहे हैं ऑफ नेगेशन नेगेशन यूज वर्ड्स लाइक में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं एनी नेवर और नॉट ओके तो नेगेशन में यूज होता है एनी नेवर और नॉट अफर्मेशन में यूज होते हैं वाई ऑल मीन सर्टेनली श्योरली इन डीड ट्रूली यस आगे देखते हैं अब एडव ऑफ डिग्री ओके एडव ऑफ डिग्री को देखेंगे ऑलमोस्ट जस्ट एनफ टू क्वाइट और एक्सट्रीमली एडव ऑफ डिग्री शो द एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन ऑफ डिग्री दिखाते हैं किस चीज के लिए द एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन कि एक्शन की सीमा क्या है एक्सटेंट क्या है एक्सटेंट मीन होता है हद या सीमा ओके सो दे आर दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच ये आंसर करते हैं क्वेश्चन जैसे हाउ मच कितना ओके okay? इस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं एग्जाम्पल ही एक्सट्रीमली हैप्पी एक्सट्रीमली वो बहुत ज्यादा खुश है एंड नेक्स्ट वन इज यू आर वेरी इंटेलिजेंट तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो ओके okay? तो एक्सटेंट हो रहा है एक्सेंट क्या हो रहा है एक्सटेंट हो रहा है एक्सेंट को बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ा के ठीक है उसकी हद बताई जा रही है कि इतना हो रहा है उतना हो रहा है हाउ मच ही इज़ टू वीक वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ठीक है टू वॉक वॉक करने में तो वीक यहाँ पे वॉक के लिए आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वॉक करने में वीक है कमज़ोर है तो यहाँ पे भी एक्सटेंड किया जा रहा है एक्सेंट को एडवर्व ऑफ फ्रिक्वेंसी देखते हैं फ्रिक्वेंसी बारम्बार था फ्रिक्वेंटली कुछ वर्क होता है जैसे यूजअली अक्सर हो रहा है ऑफ़न प्राय हो रहा है सेल्डम कभी कभार हो रहा है एनुअली डेली एट्सट्रा सो एडवर्ब्स ऑफ फ्रिकुएंसी टेल हाउ फ्रिकुन एन एक्शन टेक्स प्लेस एडवर्ब ऑफ फ्रिकुएंसी ये बताता है कि कैसे मतलब एक्शन को किया जा रहा है ओके फ्रिकुनट मैनर में मतलब जल्दी हो रहा है एनुअली हो रहा है डेली हो रहा है या फिर कभी कभार हो रहा है सो दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन प्राय कैसे एग्जाम्पल ही यूजली कम्स लेट वह अक्सर लेट आता है दे नेवर कम हेयर वे यहां कभी नहीं आते यू आर ऑलवेज स्माइलिंग तुम हमेशा स्माइल करते रहते हो अब आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्व इंटेरोगेटिव एडवर्व क्या है वाई वेन हाउ दीज आर इंटेरोगेटिव एडवर्ब सो द एडवर्ब्स टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो एडवर्ब होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन करते हैं ask question, उनको ही इंटेरोगे एग्जाम्पल हाउ आर यू हाउ क्या है, है? कहाँ जा रही है वैन विल ही कम वह कब आएगा तो दीज आर इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स रिलेटिव एडवर्ब्स देखते हैं जो रिलेट करें ठीक है टू क्लॉजेस को और टू सेंटेंसेस को क्लॉजेस दो खंडों को या फिर दो वाक्यों को तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स रिलेटिव एडवर्ब्स जॉइन टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस दे रेफर टू प्लेस रीजन और टाइम ऑलरेडी मैंसन इन अ सेंटेंस ठीक है उसमें सारी चीज़ें हो सकती हैं प्लेस रीजन टाइम ऑलरेडी मैंसन होंगे सेंटेंस में एग्जाम्पल आई नो मैं जानता हूँ वेयर ही हैज़ गॉन मैं जानता हूँ मैं क्या जानता हूँ कि वेयर ही हैज़ गॉन वो कहाँ गई ओके नेक्स्ट वन इज दिस इज द रीज़न ये कारण है वाई यू हैव फेल्ड कि तुम क्यों फेल हुए नेक्स्ट वन इज डू यू नो वैन ही इज़ कमिंग क्या आप जानते हो वैन ही इज़ कमिंग वह कब आ रहा है इस तरह से ये हो जाएंगे रिलेट करना सेंटेंस को टू क्लॉजेस को और टू सेंटेंसेस को एक्सरसाइज देख लेते हैं आप जल्दी जल्दी से री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिप्लेसिंग द हाईलाइटेड वर्ड्स विद एडवर्ब जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको रिप्लेस करना है आपको ओके वर्ड्स विद एडवर्ब के साथ सो फर्स्ट वन ही इज कमिंग हीर विदाउट डिले विदाउट डिले को आपको रिप्लेस करना है ही इज कमिंगयर टाइम डी नेक्स्ट वन नाउ एंड दैन को आपको रिप्लेस करना है यहाँ हो जाएगा द प्रोग्राम वॉज हेल्ड हेयर ओके यहाँ नेक्स्ट द प्रोग्राम वॉज हेल्ड एट दिस प्लेस तो इसमें ओकेजनली uh, हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है थर्ड फोर्थ वन द एक्सीडेंट हैपन्ड एट दैट स्पॉट तो एट दैट स्पॉट को आप कर दोगे देयर ओके वहाँ हुआ था एक्सीडेंट ही ऑलवेज टॉक्स इन अ लाउड मैनर इन अ लाउड मैनर को आपको रिप्लेस करना है तो लाउडली ही ऑलवेज टॉक्स लाउडली द गर्ल आर डांसिंग इन अ हैप्पी वे इन अ हैप्पी वे को आपको रिप्लेस करना है तो यहाँ हैप्पीली हो जाएगा द गर्ल्स आर डांसिंग हैप्पीलीवन सेवन है द मैन एक्टेड विदाउट एनी रेस्पॉसिबिलिटी विदाउट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आपको रिप्लेस करना है तो द मैन एक्टेड इज इनरेस्पॉन्सिबली ओके कैसे एक्ट uh, करता है इज इरेस्पॉन्सिबली नेक्स्ट यू ड्राइव इन अ मैनर विच इज नॉट स्लो तो यू ड्राइव फास्ट इन अ मैनर विच नॉट स्लो स्लो नहीं है तो वो फास्ट ही होगा ना तो यहाँ पे आपको फास्ट यूज करना है ही टॉक टू मी विद लव विद लव को रिप्लेस करना है तो लविंगली ही टॉक टू मी लविंगली टेन विल यू टेल मी इन अ फ्रेंक वे तो विल यू टेल मी फ्रेंकली ओके इस तरह से ये एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी और आगे देखते हैं अब पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स ओके पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स देख लेते हैं द एडवर्ब इज़ यूजली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट जो एडवर्ब होता है वो यूजली प्लेस किया जाता है आफ्टर द वर्ब ठीक है एंड द ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद सो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे सी डांस ब्यूटिफुली ब्यूटिफुली क्या है यहाँ पे एडवर्ब ही सेंगा सॉन्ग मेलोडियसली फेरोशियसली लाइन ठीक है फास्ट तो ये सब क्या हो रहे हैं वर्ब के बाद प्लेस किए जा रहे हैं एडवर्ब को यूजली एडवर्ब ऑफ मैनर आर प्लेसड आफ्टर द वर्ब अक्सर क्या होता है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो प्लेस किया जाता है आफ्टर वर्ब वर्ब के बाद ही इट आल्सो कम्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ़ द सेंटेंस कंटेंस वन एग्जांपल द चाइल्ड स्लीप्स साउंडली जो बच्चा है वो सोता है साउंडली तेज आवाज़ करके द बेबी क्राइड लाउडली बच्चा तेज से चिल्लाता है रोता है वी सेट क्वाइटली हम चुपचाप बैठते हैं ठीक है एंड ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटिफुली आफ्टर ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के बाद हो रहा है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दिए हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद भी हो सकते हैं ठीक है बट वर्ब के बाद मोस्टली होता है मैनर में हाउ एवर वी कैन यूज़ एडवर्व ऑफ मैनर एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस टू एन्फेसाइज द एडवर्व हाव एवर कभी कभी क्या होता है वी कैन यूज एडवर्ब हम यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस ठीक है सेंटेंस की बिगनिंग में बिगनिंग स्टार्टिंग में ऑफ अ सेंटेंस टू एनफेसाइज द एडवर्ब एडवर्ब को एम्फेसाइज करने के लिए मीन एडवर्ब पे एडवर्ब को जोड़ देते हुए जैसे क्वाइटली वी सैट इन अर्नर क्वाइटली शांत होकर हम कॉर्नर में बैठ गए साइलेंटली वी लेफ्ट चुपचाप से हमने छोड़ दिया वी यूजली प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एग्जाम्पल वी विल यू कम हेयर तो यहाँ पे हमने ये लास्ट में प्लेस किया ओके okay? Uh, इस सेंटेंस में लास्ट में प्लेस किया हेयर एंड नेक्स्ट वन दे आर मीटिंग देयर तो यह हम लास्ट में प्लेस कर रहे हैं वी यूजली प्लेस एट वर्व ऑफ प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ठीक है प्लेस को जगह के लिए जगह सो करना हेयर देयर वी यूजली प्लेस एट वर्ब्स ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और वी यूजली प्लेस एट वर्ब टाइम टाइम को भी हम मतलब सेंटेंस uh, के एंड में ही प्लेस करते हैं जैसे कि यहाँ पे आपका यस्टरडे हो गया टमोरो हो गया ठीक है लेट हो गया लेट फॉर द ऑफिस ऑफिस के लिए लेट हो रहा है सम टाइम्स द ऑफ टाइम आर प्लेस्ड बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्व एग्जाम्पल सम्स द एडवर्ब ऑफ टाइम आर प्लेस्ड बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब्स ओके कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ठीक है उसको प्लेस किया जाता है ऑगजिलरी के बीच में ऑगजिलरी वर्ब के बीच में एंड द मेन वर्ब के बीच में ठीक है ऑगजिलरी और मेन वर्ब दोनों के बीच में Example से आप समझ जाओगे क्लियरली जैसे यहाँ पे ही विल लेटली चेंज हिज पोजिशन ओके तो यहाँ ये यह हमारी ऑगजिलरी वर्ब हो गई और यहाँ मेन वर्ब चेंज करना सो द इंटेलिजेंस एजेंसी विल सून तो बिल यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई ऑग्जिलरी वर्व और यहाँ गैट हो गई मेन वर्ब तो बीच में आ गया सून Adverb of frequency usually come before the main verb and after the auxiliary verb if any ठीक है adverb of frequency क्या होते हैं usually come before the main verb main verb से पहले आती है ठीक है जैसे main verb tell है speak है तो इनसे पहले आएगी after the auxiliary verb और auxiliary verb के बाद में if any अगर है तो if any ठीक है यहाँ पे if any भी दे दिया है so they always we always क्या करते हैं tell the truth सच बोलते हैं ही नेवर स्पीक्स अलाई वो कभी झूठ नहीं बोलता कभी भी झूठ नहीं बोलता एडवर्व ऑफ डिग्री यूजली कम इमीजिएटली आफ्टर द वर्ब जो एडवर्व ऑफ डिग्री होती है ठीक है जैसे कि टू हो गया वेरी हो गया इमीजिएटली आफ्टर द वर्ब ये हमेशा वर्ब के बाद ही आती है एक्सरसाइज देखेंगे बी एक्सरसाइज है यहाँ पे तो यहाँ आपके वर्ड्स दिए गए हैं इन्हीं में से आपको चूज करके फिल करने हैं कुछ वर्ड्स ठीक है एक्सरसाइज में दिए हुए हैं आपके री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एडव फ्रॉम द हेल्प बॉक्स हेल्प बॉक्स दिया गया है तो इसमें से आपको फिल करने है फर्स्ट वन जल्द जल्दी से देखते हैं द टोइज वॉज वॉकिंग स्लोली ओके सेकेंड वन इज द बुलबुल सिंग स्वीटली द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली द टेल अ लाई नेवर टेल अ अई ओके तो नेवर आ जाएगा इसमें एंड स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ go for a walk daily this magazine is published monthly the teacher talked to the child gently he comes to this place he frequently come to this place okay frequently the deer ran to save its life the deer ran fast to save its life the dog barked at the man angrily the children were sleeping soundly he listened to me attentively he saw the sum he

लाइक एडजेक्टिव एडर्स ऑल्सो हैव थ्री डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन पॉजिटिव डिग्री कम्पेरेटिव डिग्री एंड सुपलेटिव डिग्री डिग्रीज आपको पता ही है पॉजिटिव डिग्री कम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव पॉजिटिव क्विकली कंपेरेटिव में मोर क्विकली एंड सुपरलेटिव मोस्ट क्विकली लाइक एडजेक्टिव एडवर्व ऑल्सो हैव सम इरेगुलर कंपेरिजन्स कुछ इरेगुलर कम्पेरिजन्स भी होते हैं जैसे लिटिल लेस जरूरी नहीं है अर्लियर अर्लीस्ट ठीक है ई आर ER एड जाए और ई एस टी एड हो पॉजिटिव डिग्री में ऐसा नहीं है कुछ इरेगुलर रेगुलर कंपेरिजन्स भी होते हैं जैसे लिटिल का लेस हो गया लीस्ट हो गया वेल बैटर वेस्ट बैडली वर्स वर्स्ट मच मोर मोस्ट ठीक है ये रेगुलर होते हैं और भी डिग्रीज हैं जो रेगुलर है. हैं एक्सरसाइज देखते हैं सी वाली एक्सरसाइज है यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द राइट डिग्री ऑफ कंपेरिजन तो फर्स्ट में आपको फास्ट का यहाँ पे कंपेरिजन करना है ना कंपेरिटिव डिग्री देनी है फास्ट fast, फास्टर हो जाएगा गॉट मोर हो जाएगा अर्लियर लॉन्गेस्ट हार्ड ब्राइटर फास्ट एंड मोर नीटली कंपेरेटिव डिग्री देनी है आपको डी वाली एक्सरसाइज में करना है ब्लैंक्स विद इंटेरोगेटिव एडवर्ब फिल करने हाउ मैनी नोटबुक्स डिड यू बाय फ्रॉम द सॉप एंड वैन विल यू लीव हाउ फार इज द पोस्ट ऑफिस एंड वैन डू यू यूजली गेटअप एंड वेयर हैज सी लेफ्ट फॉर एंड सी वॉज हैप्पी इन दिस वर्क प्रोफाइल दैन वाई डिट सी रिजाइन फिर उसने रिजाइन क्यों किया तो ई वाले एक्सरसाइज देखते हैं कंबाइन करने आपको यहाँ पे ईच पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब को यूज करके आपको इनको कम्बाइन करने तो फर्स्ट वन इज आई हैव सीन द बिल्डिंग वेयर मिस्टर अंबानी लेव सेकेंड इट वॉज ईवनिंग वैन मालविका कॉल्ड मी थर्ड वन आई डू नॉट नो द एक्सैक्ट रीजन वाई He said that there are some places in which where road connectivity is not present. Connectivity, okay? Connectivity is not present. It was the Mes mesozoic era when dinosaurs lived on the earth. There are some definite reasons why the people are moving to cities. आगे देखते हैं एफ एक्सरसाइज है यहाँ पे अंडरलाइन करना है एडवर्ब्स पे एंड राइट दर टाइप्स यहाँ पे अंडरलाइन हमें एडवर्ब पे करना है तो क्वाइट क्वाइट हो जाएगा यहाँ पे और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है यूजली फ्रीकुेंसी है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी यस्टरडे टाइम है और इसमें कुछ भी नहीं है टू हो जाएगा फिफ्थ में एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम एंड बैक एडवर्ब ऑफ प्लेस or uh, firstly adverb of time immediately adverb of time secretly adverb of manner and last exercise g read the short story below fill in the gaps using the adverb from the help box use each listed words only once apart from the two words that are listed twice okay तो यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स में दिए गए वर्ड्स उससे ये स्टोरी आपको कंप्लीट करनी है जल्दी जल्दी से करते हैं इट वाज अ ब्यूटीफुल समर आफ्टरनून विद द सन brightly ब्राइटली आई ओके एक्साइटेडली आएगा फॉन्ड my फ्रेंड आस्किंग them मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया उसे पूछने के लिए टू कम ओवर क्विकली क्विकली फॉर अ बार वी क्यू आफ्टर मेकिंग द कॉल आई क्विकली Drove into the town to buy some food and uh, drink. Well, I when I arrived at the shop, I was very very surprised at how busy it was. Everyone must have been shopping for a barbecue, and the first shop I visited had completely run out of sauces. The next shop had some left, so I happily. हो जाएगा वॉट सम आफ्टर विजिटिंग अ फ्यू मोर शॉप्स आई हैड फाइनली फिनिश्ड माई शॉपिंग वट आई वॉज स्टार्टिंग टू वरी एज इट वॉज सिक्स पी एम एंड आई हैड इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स टू विजिट एट सिक्स थर्टी पी एम आई हार्सटली तो यहाँ पे हार्सटली हो जाएगा बहुत जल्दी से आई हार्सटली रस टू द कार पार्किंग विद ऑल ऑफ माई शॉपिंग एंड द्रू इट इन द बोट आई नोटिस दैट द कार्स वर मूविंग ओके तो यहाँ मूविंग हो जाएगा मूविंग आउट ऑफ द पार्किंग एंड देर वॉज बिट ऑफ अ ट्रैफिक जैम इट वॉज सिक्स थर्टी पी एम वैन आई अराइव्ड होम एंड आई वॉज एक्सट्रीमली वरीड एज आई ड्रॉप इन टू माई ड्राइव आई स्माइल्ड हैप्पीली वैन आई सॉ माई फ्रेंड्स सिटिंग इन माई फ्रंट गार्डन फाइनली they had realized i was stuck at the shops and they waited for me we had a wonderful barbecue okay so yes how many complete hai, chapter 9 if you like this video please friends students share and subscribe and don't forget to press bell icon and comment also thanks for watching